गुमला जिले के चैनपुर में स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार सिन्हा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर का निरीक्षण किया। दरअसल निरीक्षण के क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर में प्रसव की दयनीय स्थिति पर चिंता जताई गई और कहा गया कि राष्ट्रीय कार्यक्रम को सफल बनाएं। डॉक्टर सिन्हा प्रसव कक्ष, वार्ड एवं अन्य भवनों का निरीक्षण किया, जिसमें पाया गया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भवन की कमी है, साथ में जो भवन है उसकी जर्जर स्थिति है, जिस कारण कार्य भी प्रभावित हो रहा है। डॉक्टर सिन्हा ने टीवी उन्मूलन कार्यक्रम का भी निरीक्षण किया, जिसके तहत प्रयोगशाला एवं टूनेट लैब का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी। टीवी उन्मूलन के दिशा में सक्रिय होकर जिले के टीवी उन्मूलन में उन्मूलन के कार्य पर बल दिया। इस निरीक्षण कार्यक्रम में उनके तकनीकी टीम में पवन कुमार, उदय ओहदा शामिल थे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए गुमला झारखंड से अजीत सोनी की रिपोर्ट। वर्तमान में मैं सिमडेगा जिला में, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर पी के सिन्हा SCMO कम DTO कम DLO सबके चार्ज में हूँ। तो मेरे आने का मकसद दो तीन था, एक तो टीवी का कार्यक्रम कैसा चल रहा है वो देखना, प्लस फैमिली प्लानिंग में भी CSC का परफॉर्मेंस ख़राब है, मैं उसको भी देखना चाह रहा था कि कहाँ ऑपरेशन हो सकता है नहीं हो सकता है। ऐसे बिल्डिंग किसी चीज़ वास्तव में बहुत ख़राब है, इसमें कोई दो मत नहीं है, और काम करना रियली रिस्की भी है और चैलेंजिंग भी है। कुछ कुछ बिल्डिंग ठीक है, मैं यहाँ के जो प्रभारी हैं डॉक्टर राजमोहन, उनसे मैं बात करूँगा कि ये सब जगह हो सकता है। अब समस्या है कि जो फैसिलिटी है उसी में काम करना है, काम तो करना ही, जनता को सेवा तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये सब एरिया इतना रिमोट है कि जनता की सेवा हम नहीं दे पाएंगे फिर कौन देगा, देखते हैं हम लोग क्या कर पाते हैं। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के Facebook, Twitter, Instagram पेज को भी फॉलो करें।